नमस्कार। चना एक रबी फसल है। रबी फसलों में अमूमन खरपतवारों की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन कई बार बथुआ, खरबथुआ, प्याजी या हिरणखोरी की समस्या काफ़ी आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी उपज में नुकसान होता है या उनको निकलाने में किसान का काफ़ी खर्चा आता है। इसलिए आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे चने में खरपतवारों का प्रभावी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कम से कम खर्चे में। देखिए, जब भी खरपतवार कंट्रोल की बात आती है तो सबसे पहली अप्रोच तो अपनी ये होनी चाहिए कि हम हाथ से निकालें, निराई कराएं, गुड़ाई कराएं या निदान करवाएं, उससे खरपतवार निकालें। लेकिन उसमें काफ़ी लेबर लगती है और काफ़ी खर्चा आता है और अपनी जो लागत है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमें खरपतवार नाशी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। चने की फसल में हम दो बार खरपतवार नाशी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। पहला बुआई के 3 दिनों के भीतर भीतर और दूसरा हम बुआई के 20 से 25 दिन पे भी खरपतवार नाशी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो खरपतवार नाशी आते हैं वो बुआई के 3 दिनों के भीतर भीतर स्प्रे करने वाले हैं। उनमें सबसे प्रमुख, सबसे अच्छे रिजल्ट और सबसे ज़्यादा किसानों के बीच में पॉपुलर है पेंडा मेथालिन, जिसे आप पीले वाली दवा के नाम से जानते हो। ये दो फॉर्म में आती है, एक 30% में आती है और दूसरा ये 38.7% में भी आती है। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, बस इनकी मात्रा हमें अलग अलग लेनी है। तो जो पेंडा मेथालिन 30% में आती है वो तो 1 हेक्टर एरिया में 3 लीटर 300 ml जाएगी, यानी कि 3.25 लीटर 1 हेक्टर एरिया में जाएगी। और यदि आप ट्रैक्टर की टंकी से स्प्रे कर रहे हो, 500 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हो, तो आपको एक 500 लीटर की ट्रैक्टर की टंकी में 3.25 लीटर दवा लेनी है। लेकिन यदि आप हाथ की टंकी से, 15 लीटर की टंकी से आप स्प्रे कर रहे हैं, तो एक टंकी के अंदर आपको सिर्फ 100 ml दवा लेनी है। और यदि आप पेंडा मेथालिन 38.7% वाली काम में ले रहे हैं तो रिजल्ट उसका भी सेम है, लेकिन चूंकि इसमें सांद्रता ज़्यादा है इसलिए आपको इसकी थोड़ी मात्रा कम करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रैक्टर की 500 लीटर की टंकी में आपको 2 लीटर 600 ml दवा काम में लेनी है। और यदि हाथ वाली 15 लीटर की टंकी में आप इस दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको करीब 70 से 75 ml प्रति टंकी दवा काम में लेनी है। पेंडा मेथालिन की आप 30% काम में लो या पेंडा मेथालिन आप 38.7% काम में लो, दोनों के रिजल्ट सेम है। लेकिन पेंडा मेथालिन स्प्रे करते टाइम आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली सावधानी है वो ये है कि आपको चना बोने के 3 दिनों के भीतर भीतर आपको स्प्रे करना है। बेहतर तो ये रहेगा चना बोने के तुरंत बाद आप पेंडा मेथालिन का स्प्रे कर दें, क्योंकि उस टाइम में आपके खेत में नमी रहेगी। इस दवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप 1 हेक्टर एरिया में पेंडा मेथालिन स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें उसको आप 500 लीटर पानी में स्प्रे करें, क्योंकि आपको ये मानना है कि मैं मेरे खेत में पेंडा मेथालिन की पॉलीथीन की तरह एक परत बिछा रहा हूँ, वो परत टूटनी नहीं चाहिए कहीं भी, वो समान रूप से पेंडा मेथालिन दवा तब जाएगी जब आप 500 लीटर पानी का स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते टाइम भी थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि कम से कम आपका स्प्रे किया हुआ एरिया डिस्टर्ब हो, ताकि वो आपकी दवा की परत नहीं टूटे। पेंडा मेथालिन के अलावा ऑक्सीफ्लोरफेन का भी आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन पेंडा मेथालिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, आसानी से हर कहीं मिल जाती है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके खरपतवारों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा आप स्प्रे कर सकते हो चना बुआई के 20 से 25 दिन बाद में खरपतवार नाशी दवाओं का, लेकिन ये उतने व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 20-25 दिन पे रिकमेंडेड है और 20-25 दिन पे दरअसल चने में बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या आती नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये भी है, कहीं कहीं उस टाइम अपने खेत में उतनी नमी नहीं रहती है, पर्याप्त नमी नहीं रहती है, तो इन दवाओं के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन इस काफ़ी दवा हैं जो रिकमेंडेड है 20-25 दिन पे, जैसे उसमें क्यूजलफोपीथिल है, कहीं कहीं इमिजेथा पर भी काम हुआ है,
लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट ये है कि आप चना बोने के तुरंत बाद उसके 3 दिनों बुआई के 3 दिनों के भीतर भीतर पेंडामेथालिन 30% या 38.7% का स्प्रे करें। कम से कम 500 लीटर पानी जाना चाहिए, आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इससे आप अपने खेत में खरपतवार को प्रभावी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके खेत में प्याजी की बहुत ज़्यादा समस्या है, हिरणकुरी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हो सकता है पेंडामेथालिन से भी वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल नहीं हो। इसके लिए आप गर्मियों में गहरी जुताई पे जाएं, वो ही एक तरीका है कि आप प्याजी और हिरणकुरी पे बहुत प्रभावी तरीके से उसी से आप कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।